दोस्तों आज मैं हूं राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर। आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है श्री जगदीश मंदिर और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। लगभग 400 साल प्राचीन है और इस मंदिर का निर्माण यहां के राजा महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये पूरा मंदिर दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो चौराहा है जगदीश चौराहा, और इस चौराहे से यहाँ से आप सिटी पहले जा सकते हो और यहाँ से आप गणगौर घाट जा सकते हो। और मैं यहाँ से आया हूँ उदयपुर से। और उसके बाद यहाँ पर देखो आप सामने, ये जो है तेज बिहारी जी का मंदिर है। और उसके बाद यहाँ पर पास में ये जो रास्ता जाता है घंटाघर, जब दोस्तों इस मंदिर में आप जाओगे तो यहाँ से जो है ये कौशल्या भाई बैठते हैं, इनसे आप प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी राम राम। मेरा नाम है सुरेश देवसी, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। इधर देख सकते हो आप कितना बढ़िया एकदम सुंदर हाथी जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये इस मंदिर का जो गेट है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ श्री जगदीश हरे, और यहाँ पर भी जो है आपको हाथी देखने को मिलेगा। और ये यहाँ का नीचे का व्यू है चौराहे का, आप देख सकते हो सामने। ये देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा मंदिर है। यहाँ से जब हम अंदर आते हैं, इस मंदिर के पास में आपको छोटे छोटे और मंदिर देखने को मिलेंगे। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही गजब है। और आप देखना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको मंदिर के अंदर जाने से पहले। ये देखो इस मंदिर की जो है यहाँ पर आप दीवारें देख सकते हो, इनको कितना सुंदर जो है उकेरा गया है। ये हाथी हो गया। और ये सामने जो है मुख्य मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। जब आप इस मंदिर के अंदर आते हो तो यहाँ पर जो है इस मंदिर की हिस्ट्री लिखी हुई है। जगदीश मंदिर उदयपुर भारत के सबसे विशाल और कलात्मक मंदिर में से है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के महाराजा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, 1652 में करवाया था। इसके पास में छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं। और सामने आप देख रहे हो व्यासपीठ है, एक और मंदिर है। और ये मंदिर श्री गणेश मंदिर है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये है भगवान गणेश जी का मंदिर। और यहाँ से मैं आपको एक बार व्यू दिखा, ये मंदिर का व्यू है पूरा। पे जो वास्तुकला कर रखी है आप देख सकते हो पास में से, ये जैसे ये यहाँ पर हाथियों की लड़ाई को दर्शाया हुआ है। इनकी दोनों की सूंड जो है लॉक है, और यहाँ पर जो है घोड़े है, और ऊपर जो है नृत्यांगनाएं हैं जो नृत्य कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर और नृत्यांगनाएं हैं। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है और कितना प्यारा मंदिर है, आप देख सकते हो। ये मंदिर 400 साल से भी पुराना मंदिर है और यहाँ के राजा महाराजा जगत सिंह ने बनाया था। दोस्तों अभी मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हो आप सबसे ऊपर, ये जो मुख्य मंदिर है इसका जो है यहाँ पर ये शिखर है, कितना बड़ा मंदिर है। और उसके बाद देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा इसका मंदिर का एरिया है। और अभी मैं इसका जो है आपको बैक साइड दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे, एक बार आपको परिक्रमा लगा के दिखाते हैं। इस मंदिर को काफ़ी अच्छे से उकेरा गया है, एक ही स्टोन से इस मंदिर को बनाया हुआ है, एंटी लॉक करके एक एक जो है स्टोन को जोड़ के बनाया हुआ है। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। आप मेन चीज़ ये देखो, ये देखो दोस्तों ऊपर देख सकते हो आप कितना भव्य और विशाल मंदिर है। और उसके बाद देखो इस पे जो है यहाँ पर जो कलाकृतियाँ उकेरी गई है वो देखो आप कितनी सुंदर है। आपको मैं पास में से दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों ये चीज़ है। और ये इसका शिखर है, मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे ऊपर देखो आप यहाँ पर ध्वजा लगी हुई है, यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हो। कितना सुंदर है ये मंदिर, कितना प्यारा बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ये दुर्गा माता का मंदिर है, उस वाली साइड जो है सूर्यदेव का मंदिर था, आगे गणेश मंदिर और महादेव का मंदिर था। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग की नहीं है। तो दोस्तों पूरा मंदिर देखने के बाद अब मैं आ गया हूँ इसके ग्राउंड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।